सही। जनरली जब विंडोज़ 11 आप इंस्टॉल करते हो किसी ऐसे पीसी पे, लो परफॉर्मेंस पीसी पे जिसमें सिक्योर बूट का ऑप्शन नहीं हो, आइदर TPM 2.0 से नीचे हो, तो आपको ये एरर देखने को मिलता है दैट दिस पीसी डजन सपोर्ट लाइक सम एरर, यस दिस पीसी कांट रन विंडोज़ 11। सो इस एरर को कैसे बाईपास कर सकते हैं अपन? इस एरर को बाईपास करने के लिए आपको विंडोज़ पे शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करना है। आपके सामने CMD ओपन हो जाएगा, CMD में आपको प्रेस करना है रेज एडिट। सो यहाँ पे रजिस्ट्री आपके सामने खुल के आएगा। यहाँ जो आपको जाना है एच की लोकल मशीन के अंदर सिस्टम, और सिस्टम के अंदर सेटअप वाले फोल्डर में यहाँ आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है। पहले से आपके पास फोल्डर यहाँ पे दिखेगा नहीं, आपको न्यू एंड की पे प्रेस करो आप, और जो इस फोल्डर का नाम देना है वो देना है आपको लैब कॉन्फिग। सो स्मॉल और कैप्स का बिल्कुल ध्यान रखना है। ये लैब कॉन्फिग जो आप देख रहे हो, L बड़ा है और C भी बड़ा है, बाकी सब छोटा है, राइट? सो बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। लैब कॉन्फिग करके इसे ओके करते हैं आप। सो अपना फोल्डर क्रिएट हो गया है। फिर यहाँ पे आपको न्यू और एक डी वर्ड वैल्यू क्रिएट करनी है जिसका नाम आपको देना है बाईपास TPM चेक। एक और डी वर्ड वैल्यू क्रिएट करनी है, इसका नाम आपको देना है बाईपास सिक्योर बूट। ठीक है, इसका नाम देना है आपको बाईपास सिक्योर बूट। दोनों की वैल्यूज़ जो है आपको चेंज कर लेनी है, मॉडिफाई करना है, और ये जो ज़ीरो है इसे आप वन कर दो। इसे भी वन करना है एंड वी आर रेडी टू गो। ठीक है, अब इसे बंद कर लो आप। CMD भी बंद करते हैं, इसे भी बंद करते हैं एंड सेटअप को रीइनिशिएट करेंगे। सी अभी आपका वो जो स्क्रीन था वो बाईपास हो गया है, अब इजीली आप सेटअप को इंस्टॉल कर सकते हो। मैं आपको करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। सी देखोगे आप इंस्टॉलेशन अपनी शुरू हो गई है। ठीक है, सो इट्स अ वेरी सिंपल स्टेप। तीन स्टेप में अपना बाईपास कर सकते हैं हम विंडोज़ 11, और किसी भी लो ग्रेडेड पीसी पे इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।